तो आज की वीडियो में बात करते हैं ऐसे सीजीएल का मैथ, जो जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे सारे क्वेश्चन मैथ में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इसी प्रकार से जहन मैंने प्यार विद्यार्थियों मैं दोस्तों की आर टू बी एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार से जो जितने भी क्वेश्चन होंगे मैथ के, ये भी बताया जाएगा। इसी पर आधारित पॉलिटिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया और रीजनिंग हो गया। तो हम आपको इसी चैनल पर आपको रोज़ाना प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, एक 85 मीटर की लंबी एक छड़ को दो भागों में विभाजित किया जाता है। यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है तो बड़ा भाग मीटर में क्या होगा, ठीक है ना। तो दे दिया, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया आपको, देख लीजिएगा कि एक 85 मीटर की छड़ है, ठीक है ना। यहाँ पे पहले हम इसको इस मान लेते हैं, क्या दिया है, एक क्या दिया है, 85 मीटर का छड़ दिया है ना। तो हम इसे मान लेते हैं कि 85 मीटर कितना मान लेते हैं, 85 मीटर क्या है, क्या है ये छड़ है, ठीक है ना। 85 मीटर की लंबी क्या है, ये लंबी क्या है, एक छड़ है। अब इसे दो भागों में बांटा है, कितने भागों में, दो भागों में इसे क्या करते हैं, भाग देते हैं, भाग वन और भाग दो, दो भागों में क्या करते हैं, बांट देते हैं। अब इसके विभाजित किया जाता है, यदि छड़ का पहला भाग, जो पहला भाग, जो पहला भाग यहाँ हम लिखते हैं, पहला भाग ये दूसरा भाग, जो कहते हैं पहला भाग दूसरे भाग से 2/3 है, अर्थात जो पहला भाग है दूसरे भाग से कितना है, 2/3 है। तो इसे यक्स मान लेते हैं, इसे भी क्या मान लेते हैं, इसे क्या, ये 2/3, इसे भी यक्स मानेंगे, तो 2/3 यक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। तो बड़ा भाग क्या होगा, तो बड़ा भाग पूछा है, तो बड़ा भाग का मतलब क्या हो गया, जो पहला भाग है दूसरे भाग से 2/3 है, तो इसे हम अनुपात बना लेते हैं। अनुपात बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब जब क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, जब इधर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं, अब इसे जोड़ लेते हैं, अब क्या दिया है कि दोनों का योग कितना दे दिया है, दोनों का योग क्या है, जो देखिए यहाँ पर पूरी इसकी लंबाई कितनी है, 85 मीटर की है, तो अर्थात दोनों का योग कर देंगे कितना हो जाएगा, 5x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ हम लिख लेते हैं, तो 5 = कुल टोटल कितना दिया, 85 दे दिया है, 85 दे दिया है। तो जब यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 और 5 × 7 = 35, अर्थात जो यक्स की वैल्यू प्राप्त होगी 17 मीटर होगा। जो यक्स की वैल्यू कितना प्राप्त हो जाएगा, 17 मीटर प्राप्त होगा। तो अब पूछा गया है कि हमें बड़ा, जो देखिए यहाँ ये हमारा अनुपात है मुख्य रूप से, अब पूछा है कि बड़ा वाला भाग 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो अर्थात 3 बड़ा है तो 17 × 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 57 = 51 कितना हो जाएगा, 57 = 51 हो जाएगा। तो अर्थात आप क्या हो जाएगा, जो बड़ा वाला भाग कितना हो जाएगा, 51 मीटर का, क्या होगा, 51 मीटर का होगा, जो ऑप्शन नंबर डी, जो ऑप्शन नंबर क्या हुआ है, डी दिया हुआ है। तो उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि दिया कि यह देखिए संख्या का 3 गुना, देखिए क्या बोला कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी संख्या का 3 गुना, तो अर्थात किसी संख्या का दिया ना, तो यहाँ पे मान लेते क्या मान लेते हैं, यक्स, किसी संख्या का क्या दिया, किसी संख्या का 3 गुना, तो अर्थात किसी संख्या कितना गुना है, यहाँ पे हम 3 गुना लिख लेते हैं, 3 गुना जैसे लिखा हम उसे हल करेंगे, 3 गुना है उस संख्या के, उसी संख्या के, उसी उसी इसी संख्या के, उसी संख्या के यक्स है, जो संख्या दिया है कितना दिया है, यक्स है, और 3/5 है, कितना है बुढ़े के, कितना है 3/5, 3/5 से 60 अधिक है, कितना अधिक है, 60 अधिक है, तो अर्थात अधिक का मतलब हो जाएगा माइनस, कितना अधिक है, 60 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, यदि किसी संख्या का माना, यहाँ पर लिख लेते हैं माना, किसी माना कोई संख्या हमारा क्या है, यक्स है, तो किसी संख्या का यक्स का कितना दिया, 3 गुना दिया है, और उसी संख्या, जो उसी संख्या का मतलब यक्स है, उसका 3/5 जो 3/5 से, ठीक है ना, कितना अधिक है, 60 अधिक है, 60 अधिक का मतलब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना अधिक है, 60 अधिक है, तो इसे हल कर लेते हैं, 3x - 3x कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, 60 हो गया। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 1 बना लेते हैं, तो एलसीएम निकल, अगर एलसीएम निकालेंगे कितना, एलसीएम कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा, तो 5 × 3 = 15x हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, 3x = कितना हो गया, 60 हो गया। यहीं पे हम बराबर कर, यहीं पे इक्वल टू मान, बराबर के 15 में से 3 कितना बचेगा, 12x बचेगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 5 = कितना दिया है, 60 दे दिया है, तो 12 × 5 = 60, तो x = जैसे गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, x = 25, 5 × 5 = 25, तो अर्थात यक्स का वैल्यू कितना निकल गया, यक्स का वैल्यू हमें कितना निकल गया, 25 निकल गया। वही हमें पूछा है कि वह संख्या क्या थी, तो वह जो संख्या हमारी यक्स का वैल्यू कितना निकला, 25, वह संख्या हमारी क्या है, 25 है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ए क्या हो जाएगा, सही, कितना हो जाएगा, 25, ऑप्शन नंबर ए
सही होगा। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि किन्नी तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है। यह यदि तीन क्रमागत संख्या है ना, देखिए सब जब ऐसा सवाल दिया हो, जब ऐसे दिया हो दिया हो कि तीन क्रमागत विषम संख्या है ना, तो सबसे पहले यहाँ आप लिख लेते हैं जो तीन क्या है, तीन क्रमागत हैं, क्या है क्रमागत हैं, ठीक है ना। तीन क्रमागत कौन सा है, ये विषम है, क्या है ये विषम है, ठीक है ना। तो विषम है प्राकृतिक संख्याओं का योग, देखिए योग कितना दे दिया है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक यक्स वन यक्स टू यक्स थ्री ये मान लेते हैं ना, ठीक है। तो तीन क्रमांक संख्याओं का योग दे दिया है, योग का मतलब हो गया तीन क्रमांक संख्याओं का योग कितना दे दिया है, 47 दे दिया है, 147 दे दिया है। कितने क्रमांक संख्या है, तीन है, तो यहाँ पे हम तीन कर लेते हैं, तीन से जितना दिया होगा उतने से भाग दे देंगे, तो कितना जगह भाग देंगे, तो तीन चौक को 12 और 3 9 27, 3 9 कितना हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, ठीक ना, 3 9 27 18 कितना निकल गया 49, जो 49 जो निकलेगा, तीन है ना, तो एक इधर हो जाएगा एक इधर हो जाएगा, एक एक हो जाएगा, दो एक तीन, हमें तीन ही पूछा है, जो जो हमारा आंसर आ जाएगा भाग देने पर वो हमारी क्या हो जाएगी, बीच वाली संख्या हमेशा रखते हैं, क्या रखेंगे उसे, बीच वाली संख्या हमेशा रखेंगे। वो पूछा है कि तीन क्रमांक संख्या है लेकिन वो विषम है, क्या है विषम, कैसे प्राप्त होगा, 49 के बाद क्या होता है 50 सम संख्या हो जाएगी, तो 51 क्या हो जाएगी विषम संख्या हो जाएगी, इससे पहले 48 अगर 48 रखेंगे तो सम संख्या हो जाएगी, अगर यहाँ पे 47 रखते हैं तो क्या हो जाएगी विषम संख्या हो जाएगी। देखिए ये विषम संख्या पूछा है, 47 विषम संख्या है, 49 विषम संख्या है और 51 भी विषम संख्या है, तो हमसे पूछा क्या है कि बीच वाली संख्या होगी, तो बीच वाली संख्या कौन सी है, बीच वाली संख्या कितना है 49 है, तो कितना है 49 है, तो ऑप्शन नंबर दिया है कि नहीं, ऑप्शन नंबर क्या दिया है सी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही स्थिति में आपको ऐसे ही सवाल लगाएंगे ताकि आपका समय आसानी से बच जाएगा। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि देखिए हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को लिख देते हैं, क्या दिया है कि 264 के पावर कितना दिया है, 264 के पावर कितना दिया है 102 दिया है, उसके बाद प्लस फिर 264 के पावर 264 के पावर फिर दे दिया है, कितना दिया है 103 दे दिया है। तो पूछा है कि हमें इकाई अंक ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है इकाई अंक ज्ञात करना है, आपने इकाई अंक के बारे में पढ़े ही होंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लास्ट जो इकाई अंक, सबसे पहले हम कोई भी चेक करने पहले लास्ट इकाई अंक चेक करते हैं, इकाई अंक कितना दे दिया है 4 दे दिया है, इकाई अंक कितना दिया है 4 दे दिया है। तो सबसे पहले यहाँ आप नोट कर लीजिएगा, अगर 4 का इकाई अंक पूछेगा तो 4 इकाई अंक पूछेगा, अगर अगर जो क्या है घात, घात क्या दिया है, अगर घात सम संख्या हो, अगर घात अगर सम संख्या हो, क्या थे जो घात अगर सम संख्या हो तो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 6, हरदम इकाई अंक क्या रखेंगे 6 रखेंगे। अगर अगर 4 के घाते अगर 4 के घाते अगर विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या रहेगी, तो विषम संख्या रहेगी तो कितना प्राप्त हो जाएगा 4 प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, देखिए अगर 4 के पावर अगर हम 4 के पावर सम संख्या क्या है सम संख्या 2 रखते हैं, 400 को 16 इकाई अंक कितना प्राप्त हो गया 6 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार के 4 के पावर अगर हम 3 अगर विषम संख्या रखते हैं, क्या रखते हैं विषम संख्या रखते हैं, तो 4 गुणे के 4 4 चौक को 16 और 16 और 16 चौक कितना होगा 16 चौक को 64 64 हो गया, 64 का लास्ट इकाई अंक कितना हो गया देख लेते हैं यहाँ पे, तो जो 64 का जो इकाई अंक कितना गया 4 प्राप्त हो गया। देखिए विषम संख्या के लिए हमेशा 4 रखेंगे और सम संख्या के लिए कितना रखेंगे 6 रखेंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या दिया है 264 के पावर 102 दे दिया है, तो 4 अगर ये किसके लिए 4 के लिए फॉलो करेगा, तो हम यहाँ पे 4 रख लेते हैं और 4 पे क्या है सम संख्या है, तो सम संख्या रहेगा, तो सम संख्या क्या है सम संख्या के लिए हमने क्या बताया सम संख्या के लिए कितना रखेंगे 6 रखेंगे, कितना रखेंगे 6 रखेंगे, इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 6 रखेंगे। प्लस अगर 4 के पावर कितना है, देखिए 103 है, तो ये क्या है विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए कितना रखेंगे 4 रखेंगे, यहाँ पे 4 रख लेते हैं, उसके बाद जोड़ देते हैं 6 4 कितना हो गया है 10, तो 10 इसमें से इकाई अंक कितना है, इकाई अंक कितना है 0, तो इकाई अंक 0 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर ए दे दिया है 0 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तो कल वाले वीडियो में और पूर्ण रूप से बताने की कोशिश करेंगे, अच्छे से ऐसे क्वेश्चन बताएंगे, जो जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे जो मैथ की जो सीरीज चल रही है, ये सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। इसी प्रकार से आपको
वो देख करके पढ़ करके अवश्य जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा ये रखें कि आप परीक्षा हॉल में पेन उठाने की कम आवश्यकता पड़े। आप जितने जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको फ़ायदा रहेगा। तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।